हेलो, आज मैं आपको बच्चों के मानसिक समस्या के बारे में बोलने वाला हूं, जानकारी देने वाला हूं। पहले क्या था कि लोगों को ऐसा लगता कि बच्चों को मानसिक बीमारी होती नहीं, ऐसा लोगों को लगता, मगर ये सही नहीं है। बच्चों को काफी सारी बीमारियां होती है, उसमें काफी सारी बीमारियां मानसिक बीमारी होती है या उसका कारण मानसिक समस्या होती है और उसका इलाज है। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सी बीमारियां बच्चों में होती है जिनको मानसिक बीमारी कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, बच्चों को डिप्रेशन आता है और बहुत कॉमन है, हताश होना, निराश होना, जैसा बड़ों को आता है डिप्रेशन, वैसा बच्चों को भी डिप्रेशन आता है। तो उसका इलाज हम कर सकते हैं। बच्चों को स्किज़ोफ्रेनिया नाम की जो बीमारी है, छिन्नमानस, वो बच्चों को भी हो सकती है। फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मतलब मंत्र की बीमारी, जिसमें बार 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 हाथ धोना और बार 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 साफ सफाई रखना, ये भी दिखाई देती है बच्चों को, उसका भी इलाज हम कर सकते हैं। फिर बच्चों को स्कूल फोबिया, मतलब स्कूल में जाने की बीमारी, मतलब स्कूल में जाने का भय, एक्चुअली कि वो स्कूल में जाते नहीं, उनको भय लगता है और फिर घर में बैठे रहते। इतने सारे बच्चे मेरे पास में आते हैं, अच्छे अच्छे घर के हैं, कि जो बोलते हैं हम स्कूल जाते नहीं, और वो छह छह महीने से साल साल भर से स्कूल गए नहीं। उनको ऐसा लगता है डर कि मैं स्कूल जाऊंगा तो कुछ तो भी हो जाएगा, से कारण अनेक है। फिर कुछ बच्चों को बेड वेटिंग करने की, मतलब नींद में पेशाब करने की आदत रहती है, और एक्चुअली इसका कारण क्या है वो पता नहीं है, मगर इसका कारण मानसिक हो सकता है और उसका भी इलाज हम 100% गारंटी से करते हैं। फिर बच्चों को हकलाने की बीमारी होती है, कि वो बच्चे बोलते बोलते अटकते हैं, तो इसमें बीमारी होती है, तो ये उसका उसको कॉन्फिडेंस नहीं रहता, उसके भी कारण अनेक है, और मतलब उसको एक शब्द एक लाइन भी उसको पूरी तरह से आती नहीं बोलना, मतलब एक इतना हो सकता है कि एक लाइन भी नहीं आती या बीच बीच में कहीं ना कहीं अटकता हो। फिर कुछ बच्चों को ADHD नाम की बीमारी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ADHD, ये बीमारी में ब्रेन बहुत हाइपर रहता है, इसमें बच्चा एक जगह नहीं बैठता, एक जगह वो बैठ ही नहीं सकता, वो यहां से वहां जाएगा, वहां से यहां जाएगा, वो चीज उठाएगा, ये चीज उठाएगा, ये तोड़फोड़ करेगा, उधर जाएगा, पढ़ाई करने के समय भी वो एक जगह बैठेगा नहीं, खाना खाने के समय भी एक जगह बैठ के वो खाना नहीं खा सकता, और वो इधर से उधर, मतलब इतना हाइपर रहता है, और वो एक जगह अटेंशन दे सकता नहीं, कॉन्सेंट्रेशन दे सकता नहीं, उसमें प्रॉब्लम उसको आती है। तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। फिर कुछ बच्चों को नाखून खाने की आदत रहती है, कुछ बच्चों को स्टेज फोबिया, स्टेज के ऊपर जाने का डर लगता, कुछ बच्चों को सपने में चिल्लाने का वो बीमारी रहती है, तो कुछ बच्चे सपने में चलते हैं और जैसा जाते हुए जो भी काम करते वो काम वो सपने में करेंगे, वो चलेंगे, वो नींद में चलेंगे, तो एक बीमारी वो है। फिर कुछ बच्चों को अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, मतलब पढ़ाई के समय उनका ख्याल नहीं रहता, अटेंशन लक्ष्य केंद्रित होना वो नहीं होता, या फिर कुछ बच्चों को भुलक्कड़पन की आदत होती, वो भूल जाते जो भी पढ़ा, भूल जाते, ख्याल ही नहीं रहता। कुछ बच्चे मंद बुद्धि के रहते, मतलब उनकी बुद्धि कम है, और बुद्धि कम है तो फिर वो पढ़ नहीं सकते या समझ नहीं सकते, उनका जो IQ है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो है IQ, तो वो कम रहता है। कुछ बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहता, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं, बाकी जगह बहुत होशियार है, बाकी जगह वो सब काम करेंगे, मगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, उनको पढ़ने की हैबिट भी नहीं है, पढ़ेंगे भी नहीं। कुछ बच्चे इतनी मतलब ज्यादा इतना इतना ज्यादा शोर घर में करते हैं,
या घर में किसकी मानेंगे नहीं, शोर करेंगे घर में, पढ़ाई नहीं करेंगे, और बहुत ज्यादा स्टबननेस, मतलब मेरी मुर्गी की एक ही डांट जैसा मैं बोलूंगा वैसे, या बहुत डिमांडिंग रहना, और वो जो नहीं दिया तो चिल्लाना चीखना जब तक देते नहीं तब तक, मतलब बहुत डिमांडिंग टाइप का नेचर, अग्रेसिव टाइप का नेचर रहता है। तो कुछ बच्चों को फोबिया रहता है, डर, इतना डर, ऊंचाई पे जाने का डर, लोगों से मिलने का डर, बाहर जाने का डर, स्कूल में जाने का डर, अकेले रहने का डर, कमरा, मतलब वो एक कमरे से दूसरे कमरे में भी जा नहीं सकते घर में, इतना डर, तो फोबिया की बीमारी होती है। मानसिक तौर पे चिंता ज्यादा होने से हिस्टीरिया की बीमारी भी बच्चों को हो सकती है। कुछ बच्चों को मिट्टी खाने की आदत रहती है और मिट्टी खाते हैं। तो ऐसे काफी सारी बीमारियां हैं कि जो बच्चों को बीमारियां होती रहती है, और मानसिक रूप की बीमारी है, उसका मूल जो है वो मानसिक रूप है, मतलब मानसिक कारण है, और उनका इलाज करना बहुत जरूरी है। हम बच्चों का, मतलब उसके लिए कोई दवाई नहीं है। ADHD जो बीमारी है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ADHD, उसके लिए दवाई है, वो दवाई देके उसका इलाज कर सकते हैं। और बाकी भी कोई बीमारी है जैसा डिप्रेशन है, मैनिया है, तो उसका इलाज भी हम कर सकते हैं। मेन जो बच्चों का इलाज है वो है साइकोथेरेपी, मतलब उनका मानसोपचार करना, उनको सूचनाएं देना, समूह उपचार करना, और ज्यादातर उपचार जो है वो हम उनके पालकों का करते, पेरेंट्स का करते, माँ बाप का करते, उनको बुलाते हैं, उनको काउंसिलिंग करते हैं, और बच्चों की परवरिश कैसे करना, क्या बातचीत करना, किस तरह से बातचीत करेंगे, क्या डिसिप्लिन उनको लगाएंगे कि जिसकी वजह से वो अच्छा बर्ताव करना चालू करेंगे। तो यदि दवाई है तो दवाई दो, पेरेंट काउंसिलिंग है तो पेरेंट काउंसिलिंग, मानसोपचार है तो मानसोपचार, इस तरह का उनका इलाज हो जाता है, और वो बच्चा जो है वो पूरी तरह अच्छा जीवन उसका बिता सकता है। मंदबुद्धि है तो उसका कोई इलाज वैसा नहीं है, मगर तभी भी मंदबुद्धि कितनी है, कितनी बुद्धि कम है उसकी, IQ कितना है, वो हिसाब से उसका, उनके पेरेंट्स का हम काउंसिलिंग करते हैं, ताकि वो भी बच्चे अच्छा जीवन उनका बिता सकेंगे। आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये YouTube पे देख रहे हैं, तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों के साथ में शेयर करो, हमारा Facebook है पेज को लाइक करो, हमारे वेबसाइट को विजिट करो, और आपको काफी सारी जानकारी यहाँ मिलेंगी। तो जानकारी आप लेके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि लोग भी इसको मालूम, मतलब करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, और मतलब काफी सारे बच्चे अच्छे हो सकते हैं। तो हमारा जो मिशन है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, तो उसका, उसमें आपका सहयोग होना बहुत ही जरूरी है। आप हमारे पार्टनर बनिए और उसमें सहयोग देके एक नया भारत बनाने की हम कोशिश करेंगे, ताकि ईच एंड एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति अच्छा जीवन बिता सकेगा, जो मानसिक रोगी है उसका भी इलाज हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।